नाज़रीन खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां एबीसी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कलीम मुआविया की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस खानेवाल की तरफ से पतंगबाजी के नुकसान के बारे में आगाही प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। पतंगबाजी से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, इसलिए वामुनास की आगाही के लिए न सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब चैनल, अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तशहीर की जा रही है, बल्कि छोटे बच्चों को कम उम्र ड्राइविंग से मुमानत की भी आगाही दी जा रही है। आइए सुनते हैं वीडियो पैगाम के जरिए खानेवाल ट्रैफिक पुलिस अपने मुनफरद अंदाज में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्या पैगाम देती है। बाबा जी बेटा, मैंने आपसे एक बात करनी है। जी बताएं। अब मेरे सारे दोस्त पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे भी अब पतंग उड़ा लेकर। अच्छा, मैंने भी पतंग उड़ानी है। आप भी पतंग उड़ाना चाहते हो? हाँ जी। भाई आपको पता है फैसलाबाद में क्या हुआ है? वहाँ गले पर डोर फिरने से लड़के आसिम की जान चली गई है, लिहाजा हमें स्कूली खेल से दूर रहना चाहिए, बल्कि हमें खुद और अपने दोस्तों को भी मना करना चाहिए। कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए और बड़ों लोगों को सफर के दौरान हेलमेट और सेफ्टी राड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कीमती जानों को गायब होने से बचाया जा सके। छोटे बहन भाइयों, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं पतंगबाजी नहीं करूंगा और अपने दोस्तों को भी मना करूंगा। जी तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा पब्लिक सेफ्टी मैसेज आप सब दोस्तों के लिए। अगर आपके बच्चे आपसे पतंग के बारे में तकाजा करें तो आप उनकी हौसला शिकनी करें, क्योंकि ये एक खूनी खेल है, लिहाजा मौत बांटे बिना और मौत बांटने वालों की हौसला शिकनी करें, ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, ज़हूर अवान, अल्लाह हाफिज़।